ये उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब नियत नीति सरकार की साफ हो, लीडरशिप की साफ हो, तो ऐसा कोई काम नहीं होता जो सरकार कर नहीं सकती। और जब आम आदमी पार्टी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का इरादा, नियत नीति साफ है कि पंजाब को मुड़ दोबारा खुशहाल और रंगला पंजाब बनाना है पूरी ईमानदार राजनीति के साथ, मैं समझता हूँ कि उसके जो इनिशियल जो रंग हैं वो दिखने इन 3 महीने की सरकार में शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में आप पंजाब को मुड़ दोबारा पंजाब, खुशहाल पंजाब बनता देखेंगे। अमन जी, आपको लगता नहीं कि काफ़ी देर से डिसीजन लिया गया, आप पहले ही बना देना चाहिए के लिए एक ऐसा फेस थे जो ऑपोजिशन में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी लेट डिसीजन लिया? देखिए ऐसा नहीं होता था। आप किसी भी डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे तो अभी 3 मिनिस्टर्स और भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। पार्टी ने, सरकार ने, लीडरशिप ने अपने हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। जितने अभी तक हमारे मिनिस्टर्स अंडर द केपेबल लीडरशिप ऑफ भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस पार एक्सेलेंस है। प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान जी की सरकार ऑलरेडी फिक्स कर चुकी है। प्रायोरिटीज़ हैं कि हमने पंजाब में से जड़ से करप्शन, माफिया, गुंडागर्दी और ये जो माफिया कल्चर है, गैंगस्टर्स हैं, ये ख़त्म करने हैं। पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन बनाना है। 3 लाख करोड़ का कर्जा जो पंजाब के सिर चढ़ा हुआ है उसको दोबारा खजाने को भर के और वहाँ से पंजाब के लोगों की खुशहाली का रास्ता खुलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार ऑलरेडी फिक्स कर चुकी है। हम लोग जो मान साहब की कैबिनेट का हिस्सा है, हम लोग तो उनके एज टीम मेंबर्स उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं। 3 महीने की जो सरकार थी वो थोड़ा सा लोगों से, 3 महीने की सरकार है, लोगों से थोड़ा सा वो बंद हुआ है जो संगरूर इलेक्शन में नहीं आया। देखिए ऐसा, आप हर इलेक्शन को कामयाबी या फेलियर के साथ के आईने में, दायरे में नहीं देख सकते। हर इलेक्शन के जो डेमोग्राफी होती है, जो कंडीशंस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे जब सारी की सारी पार्टीज एक ही, मोहित जी आप मेरे पास आए थे वहाँ खेड़ी गांव में, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी और सिमरनजीत सिंह मान का और कांग्रेस का और अकाली दल का एक सिंगल बूथ लगा हुआ था। जब सारी की सारी पार्टियाँ आपको एक तरफ सिर्फ इस मकसद से लगें कि जी हमने आम आदमी पार्टी को हराना है, और कांग्रेस ही, मैंने उस दिन विधानसभा में भी कहा, ये खुश हो रहे हैं जो अपनी जमानतें जब्त करा चुके हैं कि जी हम 5,000 से हार गए। सो मेरे कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि संगरूर कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत असेसमेंट है। संगरूर आम आदमी पार्टी का गढ़ था, है और हमेशा रहे, क्योंकि वहाँ भगवंत मान जी ने बूटा लगाया हुआ है उसका। मैं तो उनकी टीम का एक छोटा सा अदना सा प्लेयर हूँ, मेरी जहाँ वो ड्यूटी लगाएंगे मैं वहाँ निभाऊंगा। प्रताप सिंह बाजवा ने भी आपकी प्रपोजल दी थी उनको, अब क्या विधानसभा में ही उनको बोला था आपको पिछली बार, क्या मंत्री बना दो आप? चलिए ऐसा है कि मैं हमारे जो सियासी विरोधी हैं, प्रताप बाजवा जी हमारे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सत्कार करता हूँ। वो और उनके सब साथियों को मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे, और उनको भी कहना चाहूँगा कि आपने कभी कोई ऐसी पार्टी या ऐसा लीडर केजरीवाल साहब जैसा या भगवंत मान जी का देखा हुआ है कि जो अपने विरोधियों की भी सुन के उनकी बात मान ले? सो इस करके उनका भी धन्यवाद। करप्शन 1000% जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, यही तो हमारी पार्टी का मंत्र, बैकबोन यही तो है।